LCA MK-1A फाइटर जेट की सफल उड़ान के बाद इंडियन एयर फोर्स को जल्द ही मिल सकती है पहली LCA MK-1A फाइटर जेट। इसके साथ ही एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 65,000 करोड़ के 77 और LCA MK-1A जेट को खरीदने की मंजूरी भी मिल गई है। वहीं दूसरी ओर डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय निर्माता के साथ सुखोई 30 MKI को लेकर एक बहुत बड़ा समझौता किया है और ये समझौता बेहद खास है। इससे इंडियन डिफेंस एविएशन का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम अगले एक दो डिकेड्स को ध्यान में रखकर इंडियन डिफेंस एविएशन के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के बाद लगभग 8-10 सालों के बाद उसके रिजल्ट सामने दिखने लगते हैं और भारत भले ही पिछले कुछ दशकों में बाकी बड़े देशों की तुलना में कमजोर हुआ करता था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में जिस तरह से भारत में अपनी सैन्य ताकत और वेपन्स को डेवलप करने के मामले में जो सटीक कदम उठाए हैं और सही फैसले लिए हैं, उससे इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में भारत ताकतवर देशों की सूची में शीर्ष पर काबिज होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद खास है। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माईजी की जगह लेंगे LCA MK-1A फाइटर जेट्स। दोस्तों, पिछले महीने ही भारत के नए फाइटर जेट Tejas MK-1A ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी और उस दौरान MK-1A ने 18 मिनट हवा में बिताए। बता दें कि भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट LCA MK-1A के पहले बेड़े को पाकिस्तानी सीमा पर तैनात करने की तैयारी में है। दोस्तों, गौरतलब है कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है और इसी के तहत कई फाइटर जेट्स और वेपन्स को स्वदेशी तरीके से यानी कि भारत में ही डेवलप किया जा रहा है और इसी कड़ी में भारत में Tejas MK-1A को भी डेवलप किया है। बता दें कि Tejas MK-1A मौजूदा Tejas MK-1 का ही आधुनिक संस्करण है और इसे राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, HAL के अकॉर्डिंग ये कदम स्वदेशी फाइटर जेट्स परियोजना के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। बता दें कि इंडियन एयर फोर्स को एडवांस्ड जेट सौंपे जाएंगे। इस दिशा में तेजी से काम जारी है। गौरतलब है कि इंडियन एयर फोर्स ने पहले ही छैल के साथ 33 LCA जेट की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। उस अनुबंध की कीमत 48,000 करोड़ है और इसके अतिरिक्त 65,000 करोड़ के एक अन्य अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत 99P और LCA जेट को खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों, LCA MK-1A के विषय में ये कहा जा रहा है कि ये इंडियन एयर फोर्स में MiG-21, MiG-23 और MiG-27 की जगह लेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि MiG-23 और MiG-27 पहले ही सेवा से बाहर हैं। फिलहाल MiG-21 की 2 स्क्वाड्रन ही सेवा में है और इसे भी LCA MK-1A के आने के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, LCA MK-1A के अतिरिक्त डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुखोई 30 MKI को लेकर भी एक बड़ा समझौता किया है। आइए अब सुखोई 30 MKI को लेकर हुए समझौते के बारे में जानते हैं। Su-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की योजना। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास 292 Su-30 MKI फाइटर जेट्स का बेड़ा है। बता दें कि इन जेट्स को 2000 के दशक की शुरुआत में ही सेना ने किस्तों में खरीदा था। वैसे तो Su-30 MKI फाइटर जेट्स को पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल जैसे वेपन्स एंड सिस्टम को शामिल करके अपग्रेड किया जा चुका है, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के नेतृत्व में सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की योजना पर काम शुरू किया जा चुका है। बता दें कि इस अपग्रेड के तहत Su-30 MKI में स्वदेशी हथियार जोड़ने से लेकर ऑपरेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी क्षमताओं को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1 मार्च को ही Su-30 MKI के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले सिम्युलेटर को अपडेट करने का समझौता किया है। दोस्तों, इस अपडेट में स्वदेशी हथियार जोड़ने से लेकर ऑपरेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी क्षमताओं पर काम करने के बाद पायलटों को सुखोई के साथ उड़ान भरने में काफी आसानी होगी। दोस्तों, सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करने की इस योजना के तहत इसके 84 जेट्स को स्वदेशी वेपन सिस्टम, एडवांस्ड रडार और एवियोनिक्स के साथ अपग्रेड किया जाएगा।
तो दोस्तों, भारत के ये सभी डिसीजंस इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत भविष्य में एक बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। वैसे आपका क्या मानना है? आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।